अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑरी शॉर्ट्स। अपने इस चैनल पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जहाज़ के बारे में। उनमें से कुछ चीज़ें नेविगेशन से रिलेटेड थी, कुछ डेक से रिलेटेड थी, कुछ इंजन से रिलेटेड थी। आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ और ये चीज़ भी नेविगेशन से रिलेटेड है। आ जाए जी, आप ही का इंतज़ार हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड अ डिवाइडर। इसको एक डिवाइडर कहा जाता है। उर्दू में इसको प्रकार कहते हैं और बहरहाल में हिंदी में भी शायद इसको प्रकार ही कहते होंगे और समथिंग लाइक दैट। ये चीज़ देखने में बहुत सिंपल है लेकिन ये जहाज़ों के लिए काफ़ी अहम है। और अहम सवाल ये है कि ये अहम है क्यों? अब जहाज़ों पे देखें, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हो गई हैं। अब हर जहाज़ पे तकरीबन एक्डिस लगा होता है। एक्डिस के ऊपर ही आप अपने जहाज़ को चलाते हैं। और एक्डिस का बेसिकली क्या सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको रियल टाइम में ये पता चल रहा होता है कि आपका जहाज़ ना सिर्फ ये कि इस वक्त दुनिया के नक्शे पे कहाँ पे मौजूद है, बल्कि आप रियल टाइम में अपने जहाज़ का फासला किसी भी दूसरी चीज़ से मेजर कर सकते हैं। वो ज़मीन भी हो सकती है, पहाड़ भी हो सकता है, लाइट हाउस भी हो सकता है, एंड ऑल दो सॉर्ट्स ऑफ फिक्स्चर्स दैट यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अगर मैं आज से 22 साल पहले की बात करूँ, जब मैंने नेविगेशन स्टार्ट की थी, तो उस वक्त जहाज़ों पर सिर्फ और सिर्फ पेपर चार्ट्स हुआ करते थे और हमें ये पता था कि एक्डिस आएगा किसी वक्त, लेकिन कब ये मालूम नहीं था। पेपर चार्ट्स इस्तेमाल आज भी होते हैं। एक एक्डिस का बैकअप होता है दूसरा एक्डिस, और आपके पास जहाज़ पे दो दो एक्डिस मौजूद तो होते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, आपको नहीं पता कि कब बैठ जाए। और बैठने से पहले ये भी नहीं कि वो आपको इतला देगा कि जी मैं बैठने वाला हूँ। तो उस मौके पर फिर क्या काम आता है? फिर आपके पेपर चार्ट्स ही काम आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसका इलेक्ट्रॉनिक से कोई ताल्लुक नहीं, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और आपका हर वक्त आपके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल जैसे आपके पास एक फिजिकल किताब होती है। अगर आपकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाए तो आपकी जितनी भी सॉफ्ट बुक्स हैं वो तो ख़राब हो जाएंगी, वो तो पढ़ने के काबिल नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आपके पास फिजिकल किताब मौजूद होगी तो वो तब भी पढ़ने के काबिल रहेगी। एंड द सेम इज़ द स्टोरी विद द स्काई, क्योंकि जब पेपर चार्ट्स इस्तेमाल होते हैं ना तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। अगर ये साहब मौजूद हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर चार्ट खोलना है, इनको उठाना है, इनको खोलना है आपने और डिस्टेंस मेजर कर लेना है, और फिर इसको उठा के आपने पेपर चार्ट की साइड पर रखना है, और पेपर चार्ट की साइड वो जगह है कि जहाँ से आप उस फासले को हकीकी मानों में मेजर कर सकते हैं कि वो कितने माइल्स बनते हैं। सेकंड मेट के लिए ये साहब अहम इसलिए भी होते हैं कि जब आपको फासला निकालना होता है ना एक दिन से दूसरे दिन का, क्योंकि हम जहाज़ में 24 घंटे का फासला निकालते हैं कि 24 घंटे में जहाज़ ने कितना फासला तय किया, कितनी स्पीड हमारी बनी, हमारी इंजन की एफिशिएंसी कितनी थी, वेदर ने हमें कितना अफेक्ट किया, तो ये सब चीज़ें आपको हर रोज़ नून के ऊपर निकालनी होती हैं। तो फिर सेकंड मेट इन साहब को यूज़ करते हुए पेपर चार्ट के ऊपर जाकर आराम से उस दिन का फासला निकाल सकते हैं और ये मालूम कर सकते हैं कि उस दिन में आपके जहाज़ ने फासला कितना तय किया है। लेकिन कहानी सिर्फ इस एक ही फासले पे तो ख़त्म होती नहीं, फासले तो कई किस्म के होते हैं और ये तो सिर्फ एक रूटीन की चीज़ थी जो कि मैंने आपको बताई। अहम फासले जो आते हैं ना कि जिनमें रियली आपका जहाज़ एक क्रिटिकल सिचुएशन में आ सकता है, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा जजीरा था और कप्तान साहब ने डिसाइड किया, कह रहा हम इस जजीरे से कम 5 मील दूर रहेंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अब उसे 5 मील दूर रहने के लिए जो सर्कल आपने लगाना है ना, वो इन्हीं साहब की मदद से लगाया जाएगा, क्योंकि ये साहब होंगे तो वो सर्कल लगेगा एक्यूरेटली। और दूसरा, इनके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता था इन साहब का, कि ये पेपर चार्ट को डैमेज नहीं थे करते। आपकी जो स्कूल की प्रकार होती है ना, उसकी नोक बहुत तेज़ होती है। अगर आपने पेपर पर रख के उसको घुमाया हो तो आपको ये बखूबी अंदाज़ा होगा कि वो उस जगह पर जहाँ पर उसकी नोक रखी हो, अगर आपने थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस कर दिया तो वहाँ पर सुराख हो जाता था। इनका जो एंड है ना, जो इनकी टिप है, वो स्पेशली इस तरीके से बनाई जाती थी पेपर चार्ट्स के हिसाब से कि ये पेपर चार्ट्स को डैमेज नहीं था करता। तो फिर आपने जो डिस्टेंस ऑफ लगा दिया, यानी कि आइलैंड से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप इतना फासला रखेंगे, उस डिस्टेंस ऑफ को मेजर करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अगर आप ज़्यादा दूर भी हैं तो आप अपनी GPS पोजिशन लगा के या सेलेस्टियल पोजिशन लगा के, अगर आपने चांद सितारों से निकाली है तो आप इस डिवाइडर को रख के ये मेजर कर सकते हैं कि इस वक्त आपका जहाज़ एक्चुअल में उस चीज़ से, उस डेंजर से दूर कितना है। और सिर्फ वो आइलैंड नहीं है, आपके शोल्स हो सकते हैं, शैलो वाटर्स हो सकते हैं। अब शैलो वाटर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको विजुअली तो नज़र आती नहीं, वो तो पानी के नीचे है, पानी के ऊपर तो आपको ऐसा लगता है कि खुला समंदर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको क्या पता कि आपका जहाज़ नीचे से कितना डेंजर में है अगर उस एरिया में चला गया तो। अगर आपका ड्राफ्ट उससे ज़्यादा है तो आपका जहाज़ वहाँ पर ना सिर्फ ये कि ग्राउंड हो सकता है, बल्कि खुदा न खास्ता टूट भी सकता है और फाउंडर भी हो सकता है। उस केस में फिर यही साहब काम आते थे, यानी कि आपने अपनी पोजीशन निकाली, आपने इन साहब को रखा और ये फिर आपको ये बताएंगे कि आप उस वक्त उस शैलो वाटर से दूर कितने हैं। उसके अलावा जहाज़ों पर एक और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जहाज़ों को सेफ रखने के लिए, जिसको कहा जाता है पैरेलल इंडेक्सिंग। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना शैलो वाटर्स की, मैंने आपके साथ बात की आइलैंड्स की, जजीरों की, ऐसी जगहों की जो कि जहाज़ के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। ये टेक्निक आपको लगातार उन जहाज़ों से दूर रहने में काफ़ी मदद देती थी। समटाइम्स फॉर एग्जाम्पल इन सिंगापुर स्ट्रेट्स, मलाका स्ट्रेट्स, इंग्लिश चैनल, ग्रेट बेल्ट्स आ गए, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आ गई, स्विस कैनाल आ गई, ये तमाम की तमाम जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे अगर आप बार बार अपने जहाज़ की पोजीशन मालूम करते रहेंगे ये देखने के लिए कि आपका जहाज़ सेफ है या नहीं है, तो
तो इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल. एक ड्यूटी अफसर होता है, दो एबी होते हैं और एक कप्तान साहब होते हैं ऐसे मौके पे जहाज के ऊपर. तो अगर उस वक्त ड्यूटी अफसर आपका लगातार सिर्फ पोजीशंस ही लगाता रहेगा पेपर चार्ट के ऊपर, तो नेविगेशन कौन करेगा? कप्तान साहब को नेविगेशन में असिस्ट कौन करेगा? ऐसे मौके पर आपकी ये टेक्निक काम आती थी, जिसमें यह था कि आप एक लंबी सी लाइन खींच देते थे अपने रडार के ऊपर और पेपर चार्ट के ऊपर, और फिर उसके बाद आप रडार पे इसको लगातार मॉनिटर करते रहते थे, और साथ ही साथ आप चार्ट पे भी मॉनिटर करते रहते थे. आप जब भी पोजीशन लगाते थे आप देख लेते थे, हाँ जी मेरी पीआई इस जगह से इतनी बन रही है, तो वो जो पीआई का फासला है वो कैसे मेजर किया जाएगा? यही साहब काम आते थे. तो ये साहब ना सिर्फ ये कि उस वक्त काम आते थे, बल्कि ये आज भी काम आते हैं. हमारा बैकअप अभी तक यही है, और मैं अपने ड्यूटी ऑफिसर्स को स्पेशली ये बात कहता हूँ कि उन्होंने ये तमाम की तमाम टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी हैं, क्योंकि ये सारी की सारी टेक्निक्स वो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो किसी भी मौके पे, खुदा ना खास्ता किसी भी तरह का एरिया हो, कुछ भी जगह हो, वो अपने आप को बचा सकते हैं. मैंने वैसे ही कुछ अर्सा पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में मैंने किया गया कि मैंने कहा कि जी आज जो है वो ड्यूटी ऑफिसर जो नेविगेशन करेगा ना, वो रडार को और पेपर शॉट को देख के करेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं. दे टीच यू अलॉट इन द लॉन्ग टर्म्स, आपकी बेसिस को, आपकी बुनियाद को मजबूत करती हैं. तो बेचारा काफ़ी परेशान हो रहा था कि अगर मुझे रियल टाइम नहीं पता चलेगा दुनिया में जहाज वक्त है कहाँ पे, मुझे एग्डिस नज़र नहीं आएगा, तो मैं कैसे नेविगेट करूँगा? तो देन आई टॉट हिम ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स. और अगर आपने इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा कि किसी भी वक्त फासला मालूम करना कितना ज़रूरी होता है, यू आर इन डेंजर, फिर आप खतरे में. आप इस मौके पर एक सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल ये कि अगर फासला ही मालूम करना है तो हमारे पास ऑलरेडी रूलर मौजूद तो है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं फुटा, आपके पास है तो सही. नहीं, फुटे से आप ये फासला मालूम नहीं कर सकते, और उसकी एक ख़ास वजह है, और वो ख़ास वजह ये है कि दुनिया गोल है. ये मैं हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ, आज 1001वीं बार आपको फिर बता रहा हूँ. तो हर चार्ट जो होता है ना, उसका पहले तो ये स्केल सेम नहीं होता. सेकेंडली, जो चार्ट की प्रोजेक्शन आपके पास यूजुअली इस्तेमाल होती है वो मर्केटर प्रोजेक्शन होती है. मर्केटर प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि इक्वेटर के करीब जो पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड है ना, उनमें फासला कम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप शुमाल में जाते जाएंगे और जैसे जैसे आप जनूब में जाते जाएंगे, तो ये जो पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड के दरमियान में मर्केटर प्रोजेक्शन के ऊपर फासला है, ये बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा. इट विल नेवर रिमेन कॉन्स्टेंट. कोई भी दो पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स के दरमियान में जो फासला होता है, अगर आप एक ही चार्ट की स्केल ले लें तब भी वो कॉन्स्टेंट नहीं होता. आपको पहले उस चार्ट की स्केल देखते हुए, इन साहब को रखते हुए, ये मालूम करना पड़ता है कि यार यहाँ पे एक माइल के लिए मुझे अपना डिवाइडर इतना खोलना पड़ेगा, या इतना खोलना पड़ेगा, या इतना खोलना पड़ेगा. बिकॉज अर्थ इज़ राउंड. ज़मीन को जब आपने अपने चार्ट पे मुंतकिल किया, ट्रांसफ़र किया, तो आपने क्या किया, आपने एक राउंड शेप को फ्लैट शेप के ऊपर ट्रांसफ़र किया. तो राउंड से फ्लैट की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, ये बहुत डिफरेंट होती है. ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप एक माल्टे को छीलें, और माल्टे को फिर आप इस तरीके से छीलें कि जो माल्टा है उसकी जो छाल है, जो उसका छिलका है, जो उसकी कवरिंग है, उसको जब आप उतार के और फ्लैट चार्ट के ऊपर रख के दबाएंगे तो वो हर तरफ से फट जाएगा ना. तो उसको ट्रांसफॉर्म करना बड़ा डिफरेंट होता है. इस प्रोजेक्शन को कहा जाता है मर्केटर प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन के तरीके कई और भी होते हैं, लेकिन बहरहाल चूंकि आज ये वीडियो उस बारे में है नहीं, तो मैं उस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करता. लेकिन बहरहाल मेन चीज़ ये है कि इस चीज़ के बावजूद कि आपके चार्ट की स्केल बेशक सेम हो, आपके पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड के दरमियान में फासला डिफरेंट होता है, और उस मौके पे यही साहब काम आते हैं. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. With tons of love for my Audi Shorts family. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते तुम. With tons of love ऐसे नहीं होता. दो तो तुम्हारी टांगे हैं, तुम कैसे करो? हाथ तो तुम्हारे हैं नहीं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. With tons of love for my Orange Shorts family and to be Orange Shorts family, this is me Zahid Nisar. आप लोग देख रहे हैं Orange Shorts, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.